काम कर रहे थे. लेकिन पिछले साल हमारे बोर्ड ने डिसाइड किया एक बड़ा अहम एरिया जिसको हम मिस कर रहे हैं, और वो एरिया जो है वो ग्रूमिंग का और इंटरपर्सनल स्किल्स का है. आप सब क्योंकि प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सर, आप अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देख लें और आपको पता लगे कि आज दुनिया किस तरह की स्किल्स मांग रही है, तो हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमारा तालीम का निज़ाम वो स्किल्स नहीं दे रहा. डिग्रियाँ दे रहा है, रट्टे लग रहे हैं, नंबर मिल रहे हैं. इवन कह लीजिए बात होता है वो प्रोफेशनल स्किल्स भी बच्चे के पास नहीं होती जो बड़ी जरूरी है. अब वो इंटरपर्सनल स्किल्स में या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्किल्स जो मेंशन कर रहे हैं उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप पे है, एनालिटिकल स्किल्स टॉप पे है, लीडरशिप स्किल्स टॉप पे है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना या टीम बिल्डिंग टॉप पे है. क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जहां पर रिसर्च करने वाले चाहिए वहीं पर लीड करने वाले भी चाहिए, ओपिनियन मेकर भी चाहिए. तो हमने इस सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम को डिजाइन इस तरह किया कि कोई भी बच्चा जिसको हम सेलेक्ट करते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम में और उसको मंथली हम 10,000 रुपीज डायरेक्ट उसके अकाउंट में भेज देते हैं. ये अमाउंट जो है सर ये उसके डायरेक्ट अकाउंट में चली जाती है, यूनिवर्सिटी को किसी इदारे को नहीं दी जाती. और सेकंड ये होता है कि सर ये वंस अ मंथ एक एक्टिविटी उसको दी जाती है जो उसने लाजमी परफॉर्म करनी है. अब एक्टिविटी सेशन होता है, बाद बाद गेस्ट स्पीकर सेशन होता है, बाद बाद एक इंडस्ट्री का विजिट पूरा प्लान किया जाता है, बाद बाद कह लीजिए उसकी इंट्रैक्शन किसी स्कॉलर से करवा दी जाती है, और ये सारी स्किल्स एक्सपोजर 4 सालों के अंदर अंदर उसके अंदर चला जाता है, उनको लर्न कर जाता है, सीख जाता है. किताबें पढ़ने के लिए दी जाती हैं, उससे असाइनमेंट जुड़ जाती हैं ताकि वो बच्चा कोई ओपिनियन दे सके, उसको मुल्क के नैरेटिव्स का पता हो, उसको इस वक्त के हालात का पता हो, उसको अपने निसाब के अलावा भी कुछ चीजें पता हो. तो ये सारा हमने सर डिजाइन किया. अल्लाह का करम सर ये हुआ कि जिन टीचर से मैंने पढ़ा, मेरे अपने केमिस्ट्री के उस्ताद ज़माने तालिबे इल्मी में काशिफ रशीद साहब से अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया. वो नेपच्यून एनर्जी को हेड करने लग पड़े, फिनलैंड चले गए, फिनलैंड से नाइजीरिया चले गए. अब पिछले साल उन्होंने रिजाइन किया, पाकिस्तान वापस आ गए, उन्होंने कंसल्टेंट के तौर पे ज्वाइन कर लिया. मैं पिछले कई सालों से तकरीबन 100 मेरे क्लाइंट्स थे कॉर्पोरेट में, उसमें से एक बड़ा क्लाइंट था यूएस अथॉरिटी, मैं सर्व कर रहा था एचआर कंसल्टेंट के तौर पे. उन्होंने हमारे साथ अपना एक विंग जोड़ा, पिछली स्कॉलरशिप में 50 बच्चे उन्होंने ले लिया, यूईटी के सब बच्चे यूएस अपैरल फंड करने लग पड़े, और उनके जो एचआर मैनेजर्स थे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी साथ दिया. तो हमारे पास ग्रूमर्स की एक बड़ी टीम बनती लगी. तो ये मंथ की एक एक्टिविटी, और हर मंथ फर्स्ट पहली को बगैर बच्चे को कहना, उसको कहना पड़े, यूनिवर्सिटी को कहना पड़े सर, उसके अकाउंट में वो अमाउंट चली जाती है और उसका एक बकायदा पर्दा रखा जाता है. उसको इस तरह से कैश नहीं किया जाता कि ये देखिए कोई यतीम बच्चा था या कोई चैलेंज में था और उसको हम मीडिया कैश करें. ये एक पर्दा है उसका जिसको हमेशा कायम रखा जाता है. और फिर ये कोशिश की जाती है कि जहां जहां फैसिलिटेट किया जा सके उसको, उसके लिए आसानियां पैदा की जा सके. हमारे पिछले स्कॉलरशिप प्रोग्राम में कई बच्चे डॉन में लिखते हैं सर, अंदाजा लगाए सर, उनके ब्लॉग्स आते हैं, उसमें से कई बच्चे ब्लॉगर्स हैं, कई बच्चे वीडियोस बनाते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साथ को ट्यूशन सेंटर चला दिया. तो हमने स्कॉलरशिप नहीं रोकी, मैंने कहा कि अच्छी बात. और उनसे सबसे ओथ एक चीज का लिया सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले दिन ही हम सेलेक्ट करने के बाद, फंड करने के बाद उनसे एक वादा लेते हैं कि बेटा आपने ये जो कुछ हमसे मिला है इसे पे बैक करना, हमें नहीं करना, सोसाइटी में किसी का हाथ पकड़ लीजिए, किसी कजन का, किसी जूनियर का, मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, हमें यहां लाने वालों के आज तक हमें साथ मान लें, जिनको मैं लेके आया हूं वो मेरे हाथ चूमते हैं कि जी आप गांव से उठा के हमें यहां ले आए तो हमारे बच्चे पढ़ गए. तो किसी का हाथ पकड़े, किसी का बाजू पकड़े, उसके लिए आसानी पैदा कर दे सर. दिए से दिया जले तो रोशनी होती, आपका दिया जला आपके काम आया तो क्या काम आया, इस सोसाइटी के समाज के काम आया तो बड़ी बात. दूसरा सर ये भी मेरा मानना है कि जो हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं इनके पास ख्वाब होते हैं सर, इनके पास महरूमी और ख्वाब होते हैं, और इनमें यकीन कीजिए एनर्जी, काम करना, पैशन आम लोगों से ज्यादा होता. मैं सर कई सीएसए के बैच मैंने पढ़ाए हैं सिविल सर्विस एकेडमी में, एक बड़ी तादाद हमें हम्बल बैकग्राउंड की मिली. मैं पिछले वीक में 8 मुहर्रम को काबुल में था, मेरा सेशन था, एक बड़ी तादाद हमारे पास हम्बल बैकग्राउंड के बच्चों की. मैं जुडिशरी में 4 साल मैंने पढ़ाया जुडिशियल एकेडमी में, एक बड़ी तादाद हम्बल बैकग्राउंड के बच्चों के हमें मिलती है जो जुडिशरी का ध्यान क्लियर करते हैं, जज बन जाते हैं.
आपके बच्चे इसमें कोई शक नहीं है कि इस एक बड़े पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, और वो सारे सेक्टर्स आप देखिए, पोल्ट्री सेक्टर प्रोडक्शन में सेकंड है पाकिस्तान का, बड़ा टेक्सटाइल के बाद बड़ा सेक्टर ये। मेरे बोर्ड में क्योंकि एक मेंबर जो है मास्टर फीड से भी है, तो ये उनका भी कहना था कि हमने इस यूनिवर्सिटी को, युवास को किसी भी तरह, हमें किसी भी तरह की सपोर्ट यूनिवर्सिटी को चाहिए तो हम हमेशा हाजिर हैं। और ये वाइस चांसलर, मैं उनके बिहाफ पे, मास्टर फीड्स के बिहाफ पे भी कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की अगर हम कोई आसानी इन बच्चों के लिए पैदा कर सकें, मैं हाजिर हूँ। मेरे सेशंस, मेरा ह्यूमन रिसोर्स, मेरा ट्रेनिंग पूल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारे का बहुत बड़ा है। इस इदारे को किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं, मेरा इदारा हमेशा हाजिर है। सर मैं आपका मशहूर हूँ सर, दुनिया में खैर का काम होने लगता है 10 लोग मुखालिफ हो जाए, ये एक अजीब सर है इस समाज में, तो बड़ा मसला है। आप पिछले कुछ अरसे से वाइस चांसलर होंगे, आपको अंदाजा होगा कि सर इस सीट पर बैठना कितना मुश्किल है, डिलीवर करना कितना मुश्किल है, कॉन्ट्रीब्यूट करना कितना मुश्किल है। हम जिस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, मैं जनरली कह रहा हूँ, वहां पर अगर वो वैसे खिलाफ होते हैं, उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। मैंने जिंदगी में सर देखा कि मैं गुमनाम का कोई मसला नहीं था, अब नॉर्मल हो जाते हैं, पोजिशन आ जाती है, अथॉरिटी आती है, आपको रंग रंग की मुनाफत फेस करनी पड़ती है। ये खैर का काम आपने सर मुमकिन बनाया, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ सर इसका अजर अल्लाह आपको दे सर, इस सारी टीम को दे, प्रो वाइस चांसलर को दे, प्रोफेसर को दे, और अल्लाह ताला सर हमारी इस काबिश को कबूल कर दे। मेरा मुल्क सर आने वाले दिनों में इससे बेहतर हालत में हो, ये हजार चैलेंज फेस कर रहा है, ये मुल्क सर बेहतर हालत में जाए। मेरा ख्याल है कि सर ये घर सलामत है तो सर हम सलामत है, युवा सलामत है, ये घर जिसका नाम मुल्क है अगर यही नहीं है सर, खुदा का खास्ता सर यही चैलेंज में है सर, तो सर फिर सारी मुश्किलें सारे कॉलेज किस काम के सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मेरा यही पैगाम कि हम अपने घरों के अंदर फ्रूट के दरख्त लगाएं ताकि गरीब लोगों को भी बग़ैर पैसे के फ्रूट मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।